वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनल दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं डिनर में पाव भाजी बना रही हूँ। सो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर सजेशन में मेरी पिछली वीडियो का लिंक आ रहा हो तो आप ज़रूर जाके देखें। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी पाव भाजी की रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, आप इंजॉय करें मेरे वीडियो को। पाव भाजी के लिए मैंने आलू लिया, गोभी लिया और शिमला मिर्च लिया। आलू मैंने हाफ के जी लिया, एक बड़ा सा फ्लावर लिया और शिमला मिर्च लिया। मैंने 4-5 शिमला मिर्च लिया। सो मैंने इसे कुकर में चढ़ा दिया और मैंने टमाटर लिया, मैंने 7 बड़े टमाटर लिए और इन्हें रफली चॉप कर लेती हूँ। एक तरफ मैं मसाले की तैयारी कर लेती हूँ, जिसमें मैंने 7 से 8 सूखी लाल मिर्च लिया है और 2 बड़े कलियाँ लहसुन की ली हैं। सो मैंने जितनी ली, अब मैं 7-8 लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा क्वांटिटी रखा है। अगर आप कम लोगों के लिए बना रहे हो तो थोड़ा कम रखना। सो मैंने टमाटर को रफली चॉप कर लिया, कट चुके हैं, और मैंने जिंजर का टुकड़ा लिया, बड़ा सा टुकड़ा लिया। मैं इसे कट करके डालती हूँ ताकि पीसने में ईजी से ये पिस जाए। सो इसे मैं ढक्कन लगा देती हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। सो टमाटर को भी ऐसे ही मैंने जो चॉप किया था उसे मैं भी इसे भी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ ताकि ये अच्छा सा इसका बने, अच्छी सी इसकी भाजी बने। सो ये मैंने बंद किया और मैंने रख दिया। इसमें पानी मत डालिएगा, इसे डायरेक्ट करिए, क्योंकि टमाटर में तो पानी होता ही है तो वो अपने आप हो जाएगा। तो आप इसमें बड़ा वाला जार लें, नहीं तो छोटा लोगे तो वो फेंक देगा ऊपर से, तो आप इसमें बड़ा लें ताकि ये इजीली से हो जाए। सो ये मेरा पिस रहा है और ये पिस चुका है। ये देखिए कैसा, इतना पतला आप भी करिएगा जितना पतला मैंने किया। इसमें थोड़े से भी लम्स नहीं रहने चाहिए। सो मैंने एक बड़ा भगोना लिया और तो उसमें मैंने तेल डाला, मतलब 100 ग्राम जैसे तेल डाल दिया इसमें। और अब इसमें तड़के के लिए ऐसा कुछ भी नहीं डाले, ये जो मैंने टमाटर जो मैंने पीस कर रखा था वो डायरेक्ट हम डालेंगे। सो देखिए हमने टमाटर डाल दिया जो हम ग्राइंड करके हमने रखा था, ये डायरेक्ट डालना है, इसमें कुछ भी तड़के की ज़रूरत नहीं होती है। सो तेल गर्म हुआ और आपने इसको डाल दिया। सो ये हमारा डल चुका है, अब हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। अब ये हमारा मसाला भी पिस चुका, जो हमने गार्लिक और रेड चिली का पेस्ट बनाया था वो भी हमारा रेडी हो चुका है। तो हम अच्छे से इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से सट ना जाए। वैसे टमाटर सटता नहीं है, बट फिर भी आप इसे चलाते ही रहना, और बीच बीच में एक दो अगर टमाटर रह जाए तो उन्हें भी अच्छे से दबा के मैश कर देना। सो हमारा एक तरफ तो हमारी भाजी हो चुकी है। अब देखो क्या, अब आप या तो पाव भाजी मैसर से सारी भाजी को दबा सकते हो। मेरे पास दाल मथनी है जो लकड़ी का है, ये मार्केट में इजीली मिलता है, तो मुझे इससे इजी होता है, तो मैं इसी से घुमा घुमा कर सारे भाजी को मैश कर लेती हूँ ताकि एक दूसरे से सब मिल जाए। सो देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ। सो फ्रेंड देखिए, ये मैंने कर दिया, ये सारे भाजी कैसे लिक्विड फॉर्म में सारे हो गए और एक भी नहीं बचा, सारे अच्छे से हो गए जी। इसे मैंने कर लिया है मिक्स। सो हमारा टमाटर थोड़ा पक के आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया, मतलब ये पक चुका है, तो आप कलर देख के पहचान जाना। अब मैं जो भाजी हमारी मैंने मैश किया था वो मैंने उसमें डाल दिया। सो आप इसे थोड़ी से थोड़ी देर में चलाते रहिएगा। अब देखो फ्रेंड्स ये कैसा लग रहा है। अब एक तो अगर बड़े बड़े आलू के टुकड़े हैं ना, उससे भी आप दबा दबा के मैश कर देना। मैंने मटर छील के रखा है, मैं अभी डालूंगी, क्योंकि मैंने मसाला के साथ भी डाल सकते हो आप, बट मैं बाद में डालूंगी क्योंकि ये अभी नए ताजे ताजे मटर है ना, तो ये तुरंत गल जाएंगे, ऐसे दिखेंगे नहीं, खड़े खड़े दिखेंगे नहीं, ये पक जाएंगे, इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर के बाद डाला। तो आप देखो कि आपको जैसे अच्छा लगे, अगर आप मसाले के साथ डालना चाहते मसाले, अब जो मैंने मसाले बना के, मसाले का जो पेस्ट बना के रखा था मैंने उसे डाल दिया।
सो मैं इसे अच्छे से मिला मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर लग रहा, कितनी परफेक्ट है। अगर आप इसमें चाहो तो थोड़ी सी पानी मिला दो, क्योंकि ये लिक्विड एकदम ना ऐसे, अगर आप जब गैस ऑफ करोगे तो फिर ये गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए। और पाव भाजी मसाला अगर आप 100 ग्राम का पैकेट ले रहे हो तो आप हाफ पैकेट इसमें डाल दो। मैंने 7-8 लोगों के लिए बनाया इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया, बट आप फिर भी थोड़ा ज़्यादा ही डाल दो, ये टेस्ट को बढ़ाता है पाव भाजी मसाला। मैंने एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला लिया, सो मैंने इसे डाल दिया। अब आप देख सकते, मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए, पाव भाजी मसाला हो गया, हमारा पेस्ट हो गया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो फ्रेंड, इसका कलर आप देख सकते हो कितना चेंज हो गया और कितना अच्छा लग रहा। फर्स्टली मैं ये बता दूँ, ये इतना अच्छा स्मेल कर रहा, क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा। सो आप एक बार ट्राई करना ज़रूर मेरी रेसिपी से, आपको अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड देखिए, मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया, मैं इसे कंटिन्यूस चलाती रहूँगी। अभी ये थोड़ी सी गाढ़ी, तो थोड़ी इसमें मैं पानी मिलाऊँगी। बट सो फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ कलर के लिए। मैंने तीखा कर लिया है इसलिए मैं तीखा नहीं डालूँगी ज़्यादा, मैंने कश्मीरी लाल मिर्च दिया है सिर्फ कलर के लिए। सो आप भी 1 चम्मच आप डाल सकते हो। सो मैंने इसमें बटर डाल दिया, आपको जितनी चाहिए बटर आप उतनी बटर डाल सकते हो। मैंने 2 क्यूब्स डाल दिए बटर के। अब और टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। हमारे आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी बनी है। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी एकदम पसंद आएगी। आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी बनी है, कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। कमी और लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा और बटर डाल देती हूँ तो ये और टेस्टी बन जाए। Later. सो फ्रेंड्स, अभी पाव सेक लेती हूँ मैं, तो तवा गरम हो चुका है मेरा, और मैंने बटर लिया है थोड़ा सा और थोड़ी सी घी ली है, दोनों को मिक्स कर दिया, तो मैं इससे टेस्ट बढ़ जाता है पाव का, तो मैं इसे अच्छे से सेक लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी पाव भाजी बनके रेडी हो गई है। आप देखिए मेरी मेरी भाजी कितनी अच्छी लग रही है। इसका कलर आपको लग रहा होगा रेस्टोरेंट जैसा, बट उससे भी अच्छा है। आप एक बार ट्राई करके मेरी रेसिपी से देखना, आप रेस्टोरेंट का खाना भूल जाओगे। सो ये तो पाव भाजी है, लेकिन मैं ब्राउन ब्रेड के साथ खा रही हूँ, बट मैंने सबको पाव ही दिया है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट करना, कमेंट में करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो अगर आपको अच्छा तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फ्रेंड, ऐसी किसी रेसिपी के साथ और नए वीडियो के साथ हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।